तो हेलो दोस्तों, इस सदी की मोस्ट क्रिटिसाइजल मूवी जो हर दम ऊपर उठने के लिए जनता के दिल में जैसे तैसे जगह बनाने के लिए हर कोशिश कर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की, वन ऑफ द मोस्ट मच अवेटेड मूवी। कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। जी हाँ, अब ये कहावत इनके काम आ रही है। कैसे, सब बताऊंगा बस कुछ ही देर में। कैसे रामायण के एंटीक पार्ट्स का इस्तेमाल करके आदि पुरुष ऊपर उठ रही है, एक के बाद एक रिदम में सॉन्ग्स रिलीज करे जा रहे हैं। क्या वाकई में फिल्म अब अपनी लागत 700 करोड़ रुपए वसूल कर पाएगी, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं और आदि पुरुष का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक फिल्म जो अपना अस्तित्व जैसे तैसे बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जी हां आदि पुरुष। इस फिल्म के मेकर्स ने हार नहीं मानी अभी तक। इस दरिया दिली के लिए हैट्स ऑफ है पहले तो इन्हें। जहां इन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और उसके बाद कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिख रहा था, जनता भर भर के क्रिटिसाइज कर रही थी कि इतना बड़ा बजट और वीएफएक्स बिल्कुल रद्दी। बच्चों वाले वीएफएक्स इस्तेमाल करके रामायण और प्रभास का एडवांटेज लेके ये जनता का चूतिया काटना चाहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में लगातार फिल्म को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था जब से इसका पहला टीजर आया था। साथ ही जब ये न्यूज रिवील हुई थी कि इस चूतियापे के लिए 500 करोड़ खर्च कर दिए हैं, मतलब लोगों के नीचे से आग फट गई थी कि ऐसा अनर्थ होते हम ना देख पाएंगे अपनी रामायण के साथ। लेकिन फिर मेकर्स ने चेंजेस करे, 200 करोड़ रुपए और खर्च करे, काफी चेंजेस इन्होंने ला दिए हैं। लोगों को तब भी यकीन नहीं हो रहा था, जब आया है इसका ऑफिशियल ट्रेलर तब जाके लोगों ने यकीन करा। अब आंखों में जलन नहीं होगी क्योंकि फिल्म देखने लायक बना दी है इन लोगों ने। फिर मेकर्स ने एक और गेम चेंजिंग बाजी मारी। जी हाँ, पहला गाना रिलीज किया जय श्री राम। दोस्तों, यहाँ अब सिनेरियो पूरा बदलने लगा है मूवी का और व्यूअर्स को, लोगों को अब कंटेंट में अब इंटरेस्ट आने लगा है। दूसरी तरफ पहले गाने ने खूब वाहवाही बटोरी है और ये स्टेप एक पॉजिटिव एंगल साबित हुआ आदि पुरुष के लिए। बात करें हाल ही में रिलीज राम सिया राम के गाने की, तो यस दोस्तों अमेजिंग है। यहाँ पूरा खेल ही पलट दिया गाने ने। एक बॉन्ड होता है ना मूवी और पब्लिक के बीच में, जी हाँ इस बॉन्ड को बहुत मजबूत कर दिया है इस गाने ने। और पूरा सॉन्ग बहुत प्यारा बनाया है। अभी भी वीएफएक्स के मामले में थोड़ा तो चूक रहे हैं लेकिन दिस ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग इज अमेजिंग। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस गाने के लिए। सीधा डिवोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है ये सॉन्ग प्रभु श्री राम के साथ। दूसरा, सचेत टंडन ने जो आवाज दी है इस गाने को, भाई साहब इससे बेहतर इसका वर्जन इस बंदे के अलावा और कोई नहीं निकाल सकता था। ये बंदा मिसाल है टैलेंट की। एक तरफ ये एंगर एंड रोमांटिक सैड हार्ट ब्रोकन सॉन्ग बेख्याली जैसे गाना गा सकते हैं, तो दूसरी तरफ इसके बिल्कुल अपोजिट एकदम कूल एंड काम डिवोशनल सॉन्ग राम सिया राम जैसा गाना, क्या बात है भाई साहब। मैं खुद इस गाने को कई बार सुन चुका हूं और अभी तक लोगों ने भी कई बार सुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा यार, प्रभास एज राम उतना जम नहीं रहे, क्योंकि प्रभास जमते हैं बाहुबली और सालार जैसी दिग्गज मूवी में, जहां इन फिल्मों में फुल मासी एंड राउडी कैरेक्टर्स की मांग होती है। लेकिन यहां आदि पुरुष में मांग है एक कूल एंड काम और समय आने पर ही एंगर दिखाने वाले कैरेक्टर की। साथ में माँ जानकी के रोल में भी कृति सनन इतना परफेक्टली मैच नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि माँ जानकी त्रेता युग की नहीं है, इस मॉडर्न युग की है इन द सेंस ऑफ डायलॉग डिलीवरी। बाकी मूवी में बहुत सी कमियां भी हैं लेकिन बहुत जगह दिल जीतने वाली चीजें भी हैं। दूसरा, आज तक रामायण में सभी जितने भी क्रिएटर्स हुए हैं वो सिर्फ बुराई में अच्छाई की जीत पर ही फोकस रखते हैं, मूवी थीम में एंड कंटेंट में। और ये बेस्ट लेसन भी है, पर ये थीम, ये सच सभी को मालूम है। दरअसल रामायण का नाम सुनते ही अभी तक सबके दिमाग में सिर्फ एक इमेज बैठ जाती है कि राम और रावण के बीच में भीषण युद्ध। लेकिन शायद आफ्टर आदि पुरुष ये विजन अब चेंज होने वाला है, क्योंकि आदि पुरुष के कंटेंट में भगवान राघव और माँ जानकी के एक प्योर लव बॉन्ड पर ज्यादा फोकस करा जा रहा है, क्योंकि इसकी बात उतनी कहीं नहीं होती है। और इस मूवी में आपको प्योर फॉर्म ऑफ लव देखने को मिलेगा, कैसे माँ जानकी का प्यार अपने प्रभु श्री राम राघव के लिए होता है और भगवान का अपनी पत्नी के लिए कैसे उन्हें पाने के लिए इतना संघर्ष करते हैं, और अंत में निहत्ते होकर भी उस जमाने की इतनी हाई तकनीकी से लैस रावण की सेना को उन्हीं के होम ग्राउंड में हरा कर आते हैं। तो देखो दोस्तों, 16 जून को और क्या होता है, अभी तक तो सब फेवर में ही चल रहा है आदि पुरुष के। एक्चुअल चीजें तो अब सीधा थिएटर में ही पता चलेंगी। दोस्तों अब ये आप लोग बताएंगे कि मूवी का आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है। दूसरा, राम सिया राम सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।